नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। लातेहार जिला छिपा दोहर नगर विश्व हिंदू परिषद और हिंदू नववर्ष उत्सव समिति इस संयुक्त बैठक में किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुन्ना गुप्ता ने किया संचालन, मुकेश चंद्रवंशी ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत श्री राम जी हनुमान जी भारत माता की पूजन और परिचय के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बजरंग दल के प्रमंडलीय संयोजक सूरज कुमार साहू ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद और हिंदू लोगों में सबसे बड़ा त्यौहार रामनवमी की पूजा होती है, इसलिए सभी हिंदू भाइयों को हिंदू नववर्ष के दिन अपने अपने घर में श्री राम जी और हनुमान जी का पूजन अर्चना कर संध्या अपने अपने घर पर दीपक जलाकर नववर्ष मनाना चाहिए। वहीं मुन्ना गुप्ता ने कहा कि हम सभी कार्यकर्ता के द्वारा सभी हिंदू भाइयों को घर तक भगवा झंडा लगाने की तैयारी हो रही है। हिंदू नववर्ष उत्सव समिति के अध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता ने बताया कि हम लोग सभी कार्यकर्ता मिलकर रामनवमी पूजा धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहे हैं। रामनवमी पूजा मनाने के लिए कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मौके पर हिंदू नववर्ष उत्सव समिति के महासचिव अमित प्रसाद, सचिव मुकेश वर्मा, कोषाध्यक्ष कान्हा कुमार, सोशल मीडिया दिलीप कुमार सिंह और अंकित कुमार, लकी कुमार, प्रियांशु कुमार, सुफल गुप्ता, शंकर सिंह, बिट्टू राय, अनुराग चंद्रवंशी, अभिषेक कुमार, काफी संख्या में लोग मौजूद थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। लातेहार जिले के मनिका प्रखंड अंतर्गत स्थित थाना परिसर में SIS सिक्योरिटी कंपनी के द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए विशेष भर्ती अभियान के तहत भारतीय सुरक्षा दक्षता परिषद नई दिल्ली एवं सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस लिमिटेड के द्वारा सुरक्षा जवान एवं सुरक्षा सुपरवाइजर की भर्ती को लेकर एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। SIS सिक्योरिटी कंपनी में शामिल होने के लिए युवाओं का 168 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, उनकी उम्र 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष के बीच होना चाहिए, साथ ही शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। चयनित युवाओं का वेतनमान 12,000 से लेकर 15,000 के बीच में दी जाएगी, उनकी ज्वाइनिंग सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में की जाएगी। झारखंड राज्य के अलावा उनकी ड्यूटी भारत के अन्य राज्यों में भी दी जा सकती है। आज विशेष भर्ती अभियान के दौरान प्रखंड क्षेत्र के काफी युवाओं ने सुरक्षा जवान एवं सुपरवाइजर के लिए इस शिविर में आवेदन दिया। कल दिन शनिवार को SIS सिक्योरिटी कंपनी के द्वारा लातेहार थाना परिसर में विशेष भर्ती अभियान के तहत एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक बेरोजगार युवा वर्ग के लोग इस शिविर में आकर हिस्सा ले सकते हैं। आज यहाँ पे भर्ती शिविर लगाया जा रहा है मनिका थाना में, इसका बाकी थाना में भी हो चुका है। कल लातेहार थाना लास्ट है, यहाँ पे सुरक्षा जवान और सुपरवाइजर का वैकेंसी है, जिसके अंतर्गत इनका हाइट 168 सेंटीमीटर रहना चाहिए, एज 21 से 37 के बीच में रहना चाहिए और मैट्रिक पास रहना चाहिए। ऐसे आज अंतिम डेट है मनिका में, कल लास्ट, हाँ आज लास्ट है यहाँ पर मनिका में, कल लास्ट है लातेहार थाना में होगा। सर वेतन क्या, मानदेय क्या दे रहे हैं? इनका वेतन 12 से 15 के बीच में रहेगा, इनका जहाँ पे भी होगा सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में। ड्यूटी कहाँ पे रहेगी? ड्यूटी इनका कहीं पर भी जहाँ पे सरकारी गैर सरकारी संस्थान, झारखंड में ही, ATM बैंक नहीं, कहीं पर भी हो सकता है। आपका परिचय? मेरा नाम अनुपम सिंह है और मैं भर्ती अधिकारी पोस्ट पोस्टेड हूँ, SIS ट्रेनिंग सेंटर बेलचंपा से आया हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। लातेहार भाजपा जिला अध्यक्ष हरिकृष्ण सिंह के मार्गदर्शन में एवं मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण कुशवाहा के निर्देशानुसार प्रदेश भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल बालूमाथ कन्या मध्य विद्यालय में स्कूली बच्चों के साथ एक विशेष समुदाय के द्वारा हुई मारपीट को लेकर बालूमाथ आए और घटना की जानकारी ली। इस प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, विधायक CP सिंह, किशन दास, प्रवक्ता प्रतुल सहदेव, पूर्व विधायक प्रकाश राम एवं लातेहार जिला अध्यक्ष सह पूर्व विधायक हरेकृष्ण सिंह शामिल हुए। ज्ञातों की दो दिन पूर्व राजकीय कन्या मध्य विद्यालय बालूमाथ में स्कूल क्लास के अंदर कुछ असामाजिक तत्व ने स्कूली छात्रों के साथ रॉड, लाठी, डंडे सहित अन्य हथियार से काफी मारपीट की थी। इस घटना के बाद स्कूली बच्चे दहशत में आ गए और कई बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। वहीं इस घटना के बाद स्कूल के प्रधानाध्यापक के द्वारा एक लिखित शिकायत थाने में दी गई। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आज भाजपा के शीर्ष नेताओं ने स्कूल आकर मामले की जांच की। इस दौरान बालूमाथ अंचलाधिकारी मोहम्मद आफ्ताब आलम, SDPO अजीत कुमार, इंस्पेक्टर शशि रंजन, थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार महतो मौजूद रहे। हो सकता है छात्रों में आप बातें हो सकती है,
मैंने इसके लिए बाहरी छापा और मार्केट करे सर हो गए गला में चुप हो गए और महाविद्यालय के प्रधाना अध्यापक ने थाना में केस भी किया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। इनका कहना है कि डिविजनल बच्चे डिविजनल के लिए आज क्या हुआ हम लोगों ने थाना और डी एस पी साहब से आग्रह किया है नई कानून के बालन उसके आधार पर विद्यालय के प्राचार्य ने जो नियम एफ आई आर किया उसके आधार पर आप उसकी गिरफ्तारी कीजिए कार्रवाई कीजिए ताकि उन लोगों में अपराधियों में सामाजिक तत्वों में डर का वातावरण पैदा हो भय पैदा हो अन्यथा इसी प्रकार की चीज़ें कुछ लोगों ने ये भी बताया कि स्कूल के जो महिला टीचर हैं तो उन पर भी सीटी तत्व बजाते हैं तो गलत बात है क्योंकि यहाँ से 100 मीटर भी नहीं होता है यही पर थाना है तो थाना के बगल में स्कूल है स्कूल में इस तरह की घटनाएँ होती हैं अच्छी बात नहीं है तो समझिए क्या होता है ये सब पर काम करेंगे इसीलिए उनको यहाँ पर नियुक्ति दी गई है कि यहाँ पर सुरक्षा का वातावरण पैदा करें। ये करने उसके कारण की नीति का यहाँ पे रिफ्लेक्शन है प्रशासन अशासन वही कर रहा है जो रांची में बैठकर हेमंत सोरेन कर रहे हैं एक विशेष वर्ग का तुष्टिकरण और दूसरे बहुसंख्यक समाज के अंदेखी जिस तरीके से थाने से महज 100 मीटर के दूर इस तरीके का तांडव मचता है विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा और प्रशासन को खबर नहीं होती 100 मीटर दूर तक बालूबाग थाना है कोई थाना का नहीं आता सर फोड़ दिया जाता है किसी को कुछ कर दिया जाता है लड़कियों पर हमेशा पक्तियाँ कसी जाती हैं टीचरों पे सीटियाँ मारी जाती हैं तो कौन सा प्रशासन और जबकि बालूबाग थाने मुश्किल से 100 मीटर दूर है इन्होंने आश्वासन दिया है कड़ी कार्रवाई करेंगे और 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई हमने इन्हें कहा है कि अब याचना नहीं रन होगा अब अगर कार्रवाई आगे नहीं होगी तो हम यहाँ वार्ता करने नहीं आएंगे अब आंदोलन कर रहे हैं सर तमाम सत्ताधारी ने इन्हें शर्म आनी चाहिए बहु बेटियों पे अगर कोई भक्तियाँ कस रहा है या बाहर के लड़के आकर यहाँ के बच्चों के साथ मारपीट कर रहे हैं तो बच्चों का कोई धर्म नहीं होता इन्हें आप धर्म के आधार पर बांट रहे हैं बाहर के लड़के आकर मारपीट करते हैं और आप मौन धारण किए हुए ना ये मौन आपको भारी पड़े नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। लातेहार जिले के मनिका प्रखंड के अंतर्गत स्थित प्रखंड कार्यालय में कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान 20 सूत्री अध्यक्ष विश्वनाथ पासवान समेत कई जनप्रतिनिधियों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी वीरेंद्र केंडो को जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को हो रही समस्याओं से अवगत करवाया और सभी के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। वहीं सुरेंद्र पासवान ने वीडियो से कहा कि आदिवासी बाहुल क्षेत्र एवं दूर दराज के जन वितरण प्रणाली के डीलरों को सबसे पहले राशन दिया जाए ताकि सभी डीलर समय पर सभी राशन कार्ड धारियों को राशन का वितरण कर सकें। उनकी बातों को सुनते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सभी जनप्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को जल्द ही पूरा किया जाएगा। मौके पर तस्लीम अंसारी सिंजो पंचायत के मुखिया संजय सिंह तस्लीम अंसारी समेत कई लोग उपस्थित रहे। अंचलाधिकारी भी है एमओ मार्केटिंग ऑफिसर हम लोग आग्रह करने आए हैं कि जो मेरे डीलर हैं उन लोग के रोस्टर बने और पहले जिस पंचायत में जहां से सुदूर क्षेत्र स्टार्ट करें जो प्रखंड के सुदूर क्षेत्र वहां से जहां आदिवासी बहुत क्षेत्र है वहां से और उस पंचायत में जितने भी डीलर हैं सभी को माल एक बार मिले। अब जैसे जिस पर 5 गो डीलर है और किसी को 2 के देते हैं तो हल्ला होता है झगड़ा होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है इसीलिए मैं आग्रह करना है साहब से और साहब भी आश्वासन दिए कि साहब इसको ये रोस्टर लागू करें हैं और एक पंचायत जहाँ से स्टार्ट होगा 15 पंचायत है ना एक पंचायत से उस पंचायत को फुलफिल करें सेकेंड पंचायत में सुरेंद्र पासवान जिला चलाते हैं। लातेहार जिले के मनिका प्रखंड अंतर्गत स्थित पशुपालन विभाग के गेट के सामने पुत्र अनिल प्रसाद उर्फ गुड्डू प्रसाद के द्वारा अपने पिता स्वर्गीय सत्यनारायण प्रसाद की याद में पंशाला बनवाया गया ताकि आसपास के लोगों एवं राहगीरों को पीने के लिए पानी साफ मिल सके। प्रखंड क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस पंशाला का उद्घाटन किया गया। वहीं कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने कहा कि लातेहार जिला में यह पहला पंशाला है जो पुत्र अपने निजी खर्च पर अपने पिता की याद में बनवाया है जिसका हम लोगों ने आज उद्घाटन किया है। इस पंशाला से लोगों को मुफ्त में पानी साफ मिल जाएगी वो भी पीने के लिए।
इससे सक्षम लोगों को प्रेरित होकर जन सेवा हेतु इस तरह के कार्य के लिए आगे आना चाहिए। मौके पर मनिका प्रखंड प्रमुख गायत्री देवी, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष विश्वनाथ पासवान, छोटे लाल प्रसाद, तस्लीम अंसारी, रामानंद उराव, गोपाल प्रसाद सिंजो पंचायत के मुखिया संजय सिंह, सुखलाल उराव समेत कई गण्यमान्य नागरिक मौजूद थे। मनिका से दीपू की रिपोर्ट। अपने स्वर्गीय पिता सतन प्रसाद की याद में पाठशाला का आयोजन किए हैं, और मैं समझता हूँ कि लातेहार जिला में पहला पाठशाला का उद्घाटन हम लोग किए हैं। ऐसे काम से लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए, और इससे पुनीत काम कुछ नहीं है। सबसे बड़ा जनसेवा है पाठशाला खोलना। हम तो इस माध्यम से आग्रह करेंगे सभी लोग, लातेहार जिलावासियों को, जो सक्षम व्यक्ति हैं, जो करना चाहते हैं, वो सबसे अच्छे कम कीमत पर अधिक धुलाई है, अच्छा कार्यक्रम इसे करना चाहिए। सर आपका परिचय? सुरेंद्र पासवान, कांग्रेस जिला परिषद लातेहार।